राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भरेसर उपखंड क्षेत्र में आसावरा माता का मंदिर विख्यात है। यहाँ चैत्र नवरात्रा में आसावरा माता मंदिर में के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता रानी के यहाँ विकलांग, दिव्यांग और सहायक व्यक्ति 9 दिन माता रानी की शरणागत रहते हैं। यहाँ पर सवेरे 5 बजे शाम को 8 बजे माता रानी की आरती होती है। इस आरती में विकलांग दिव्यांग व्यक्ति इस आरती का लाभ लेते हैं। बीमार व्यक्ति, विकलांग और सहायक व्यक्ति 9 दिन माता रानी के शरणागत रहते हैं। माता रानी उनकी पुकार सुनती है। ऐसी मान्यता है कि पूर्व दिशा में एक तालाब बना हुआ है, जहां पर उसे तालाब के पानी से लकवा पीढ़ी को पैरालिसिस व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, दिव्यांग सहायक व्यक्ति अपने हाथ पर हुआ इस तालाब के पानी से नहलाया जाता है, जिससे लकवा पीड़ित बीमार सहायक दिव्यांग व्यक्ति इस पानी के नहाने से भक्त ठीक होते हैं। जबकि लकवा पीड़ित व्यक्तियों को जब गाड़ियों में लेकर नवरात्रि माता के दरबार में लेकर पहुंचते हैं और माता रानी का नहलाया हुआ पानी बीमार विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को पिलाया जाता है व उनके हाथ पाँव पर भी लगाया जाता है, तब 9 दिन माता रानी की शरणागत रहने के बाद उनकी जुबान खुलती है और वह बोलने लगते हैं। उनके हाथ पैर काम करना प्रारंभ करते हैं और चल के माता रानी के दरबार में चलकर आते हैं। आसावरा माता की मान्यता कई दूर दूर तक है। जब इस चैती नवरात्रा में राजस्थान, यूपी, बिहार, कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, बड़ौदा, नवसारी, अमरेली, जूनागढ़, जामनगर, मुंबई, कई राज्यों से लकवा पीड़ित व्यक्ति माता के दरबार में पहुंचते हैं, जहां पर लकवा पीड़ित, बीमार, असहायक, दिव्यांग एवं व्हील चेयर की व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से की जाती है। लकवा पीड़ित पैरालिसिस व्यक्तियों को 9 दिन माता रानी के शरणागत रहने के बाद आसावरा माता मंदिर की परिक्रमा एवं बाहरियों से निकाला जाता है। जब भक्त ठीक होते हैं, वो बोलना उतरते हैं, तो अपनी इच्छा से चांदी के हाथ पांव चूरमों का प्रसाद माता रानी के चढ़ाया जाता है और यहां पर उनका खाना पीना ठहरना की व्यवस्था मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से की जाती है। सभी भक्तों को नववर्ष की शुभकामनाएं और माताश्री का श्रृंगार विशेष होता है नवरात्रि में। बाहर से फूल वगैरह भी आते हैं, विशेष श्रृंगार किया जाता है, साड़ी वगैरह स्पेशल। स्थापना माताश्री की नवरात्रि की स्थापना हुई है, उसमें रावण सिंह सत्ता और प्रबंधक और मदनपुरी जी, गोस्वामी पुजारी जी, नरेंद्र सिंह, हम स्थापना में बैठे हैं। करीबन 1.5 घंटा हमारे स्थापना में लगे। उसने मंदिर में सुबह शाम 2 टाइम आरती होगा, 2 टाइम भोग लगेगा। शाम को तो लस्सी पूरी, कभी हलवा पूरी, कभी फर्दर भोग लगता है और सुबह के टाइम, और शाम को डेली दूध का भोग लगता है। तो हमने जो व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से कर रखी है, उसमें हमारे 45 तो सिक्योरिटी गार्ड है और 15 का MBC के जवान है, 10 RAC के जवान है और सिवो सर्कल का पूरा जाप्ता है। करीबन 100 ऊपर का 100 130 का टोटल जाप्ता है पुलिस का, सिक्योरिटी से मिला।